दोस्तों आप सभी लोग स्मार्टफोन खरीदने से पहले एक बात तो जरूर सोचते होंगे कौन सा प्रोसेसर लेना है हम लोगों को। या तो हम लोग गेमिंग खेलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो बिल्कुल भी लैग ना हो ये सब एप्लीकेशंस, उनके लिए एक बेटर प्रोसेसर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रॉब्लम आज मैं आपके बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा कि आपको एक्सोनस का प्रोसेसर लेना चाहिए जो सैमसंग की तरफ से आता है या फिर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लेना चाहिए हम लोगों को, वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टेक न्यूज़, जहां होती है सीधी बात, नो बकवास, बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। बेसिकली आज की वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ एक्सोनस के 9611 वर्सेस स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर के ऊपर। यहाँ पर ये दोनों जो प्रोसेसर हैं मोस्टली स्मार्टफोन्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं जो 2020 के अंदर लॉन्च हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अब फटाफट से देख लेते हैं इनके प्रोसेसर की डिटेल्स को। एक्सोनस 9611 और 730G के अंदर हम लोगों को ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक्सोनस 9611 की अगर बात की जाए तो 4 कोर जो दिए हुए हैं वो परफॉर्मेंस के लिए दिए हुए हैं। यहाँ पर उसके अंदर क्लॉक स्पीड मिलती है हम लोगों को 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की, जो आती है कॉर्टेक्स A73 CPU के साथ में। यहाँ पर ही अगर 730G की बात की जाए तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 2 कोर दिए गए हैं जो आते हैं क्रायो 470 गोल्ड के साथ में, और उसके साथ में यहाँ पर हम लोग क्लॉक स्पीड मिलती है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की, और ये जो आता है कॉर्टेक्स A76 CPU के साथ में आता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एफिशिएंसी कोर्स की तो यहां पर अगर 9611 की बात की जाए तो यहां पर 4 कोर मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए जो आते हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज के क्लॉक स्पीड के साथ में, और इसके साथ साथ कॉर्टेक्स A53 यहां में देखने को मिलता है। और 730G के लिए सबसे खास बात यह है कि एफिशिएंसी के लिए हम लोगों को 6 कोर्स दिए गए हैं, ये भी कायो के 470 सिल्वर के ऊपर आते हैं, और यहां पर क्लॉक स्पीड जो मिलती है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की हम लोगों को देखने को मिलती है जो आती है कॉर्टेक्स A55 CPU के साथ में। बात की जाए कि कौन सा प्रोसेसर सबसे ज्यादा बेटर है तो स्नैपड्रैगन 730G यहां पर बाजी मार जाता है। इसके साथ-साथ हम लोगों को 9611 के अंदर 10nm टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और 730G के अंदर हम लोगों को 8nm की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो स्नैपड्रैगन को 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा दे देता है। एक्सोनस 9611 के अंदर हम लोगों को मालिका G72 GPU देखने को मिलता है और 730G के अंदर हम लोगों को एड्रेनो का 618 GPU देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर 64 बिट का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो दोनों सेम है, और यहां पर UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलती है दोनों के दोनों प्रोसेसर्स के अंदर, तो बाजी बराबर की रहती है। उसके साथ साथ अगर रिकॉर्डिंग की बात की जाए बैक कैमरा की तो यहाँ पर 4K की रिकॉर्डिंग दोनों सपोर्ट करते हैं प्रोसेसर्स, बट यहाँ पर एक्सोनस 9611 जो रिकॉर्ड करता है 120 फ्रेम पर सेकेंड पे करता है और 730G जो रिकॉर्ड करता है 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट चला जाता है 9611 को। और यहाँ पर अंतुतु स्कोर देखा जाए तो एक्सोनस 9611 का है 170,068 और 730G का अंतुतु स्कोर है 259,109, तो यहां पर 730G बाजी मार जाता है। एक्सोनस 9611 के गीगबेंच स्कोर की बात की जाए तो सिंगल कोर में यहां पर 1690 और मल्टी कोर में 5540 का स्कोर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ 730G में हम लोगों को सिंगल कोर पर 2557 और मल्टी कोर पर 5967 का स्कोर देखने को मिलता है, यहाँ पर भी 730G बाजी मार जाता है। दोनों प्रोसेसर्स का ये था पूरा का पूरा कंपैरिजन, कौन सा आपको प्रोसेसर लेना चाहिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन टेक्निकल चीजों का आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है और आपके सिर के ऊपर से उतर गई है तो मैं बता देता हूँ, 730G प्रोसेसर अगर आप ले सकते हैं तो उस पे बिल्कुल जाइएगा, 9611 पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यहां पर अगर हार्डकोर गेमिंग आप खेलना चाहते हैं तो 730G के अंदर ही बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिना सब्सक्राइब करे कहीं मत जाना, क्योंकि ऐसी टेक न्यूज और गिवअवेज पाने के लिए बने रहिए टेक मुझे YouTube चैनल के साथ में। मैं मिलता हूं आपसे कुछ नई और धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।